हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम छोले भटूरों की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। छोला भटूरा बनाने के लिए हमने ये छोलों को 7-8 घंटे भिगो के लिया है। तो जब मैंने इसे भिगोया था तब उसको ऑयल लगा के उसमें थोड़े से गरम मसाले डाले थे। गरम मसाले में मैंने बड़ी इलायची, छोटी हरी इलायची और 3-4 लवंग, 3-4 मिरी और 1 इंच का दालचीनी का स्टिक ऐसे डाल के इसे भिगो के रखा था। आइए फ्रेंड्स, अभी मैं इसे कुकर में बॉईल करने के लिए डाल रही हूँ। ये मैंने 150 ग्राम छोले लिए थे। ये मैं वही पानी यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैंने भिगो के रखा था, क्योंकि मैंने उसे अच्छे से वॉश करके भिगोया था, तो वही पानी मैं यूज़ कर रही हूँ। ये नमक मैं छोलों का नमक सिर्फ इसमें डाल रही हूँ। ये 1/2 टीस्पून नमक मैं इसमें डाल रही हूँ और 2 पिंच हम बेकिंग सोडा डालेंगे। ढक्कन लगा लेती हूँ और 5-6 विसल लेती हूँ। आइए फ्रेंड्स, हम अभी भटूरे का आटा लगा लेते हैं, जिसके लिए हमने लिया है ये 2 कप हमने ऑल पर्पज फ्लावर मैदा लिया है, 1/2 कप हमने दही लिया है योगर्ट और 1/4 कप हमने सूजी ली है। नमक हमें स्वाद अनुसार लगेगा। जो मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, 1/4 टीस्पून हमने बेकिंग सोडा लिया है। ये हमने 2 बड़े साइज के आलू बॉईल करके ग्रेट करके लिए है। ऑयल हमें 2 टीस्पून लगेगा और पानी हमें आटा गूंदने के लिए ज़रूरत के अनुसार लगेगा। आइए फ्रेंड्स, अभी हम भटूरे का आटा लगा लेते हैं। ये मैंने ऑल पर्पज़ फ्लावर मैदा लिया है, इसमें ये हम सूजी ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे और बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें हम ये दही डालेंगे। ये 2 टीस्पून ऑयल डालेंगे। अब हम ये जो आलू हमने ग्रेट करके लिए है ये इसमें मिक्स करेंगे। और अभी मैं सभी चीज़ें अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेती हूँ और आटा लगा लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा आटा लग चुका है। हमने मीडियम कंसिस्टेंसी का आटा लगा लिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल का हाथ लगा लेंगे और इसे 15-20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। ये हम इंस्टेंट भटूरा बना रहे हैं, इसलिए इसको 15-20 मिनट ही रेस्ट देना है। अभी मैं इसे ढक के रख देती हूँ। आइए फ्रेंड्स, अब हम छोले बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं। ये मैंने 2 बड़े साइज के प्याज लिए हैं जिसे मैंने ग्रेट करके लिया है। ये 2 बड़े साइज के टमाटर मैंने लिए हैं, जिसके साथ मैंने हरी मिर्चें भी ली है 2, जिसे मैंने मिक्सी में से ग्राइंड करके लिया है। ये कुछ धनिया पत्ती मैंने बारीक कट करके ली है। 2 टीस्पून हमें जिंजर गार्लिक का, ये कोर्सली ग्राइंड करके मैंने जिंजर गार्लिक लिया है, ये 2 टीस्पून मैंने लिया है। ये कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें छोटे साइज के तेज पत्ते हैं, 1 इंच का दालचीनी का स्टिक है जिसे मैंने बारीक टुकड़ों में करके लिया है, 2 हरी इलायची है, 1/2 टीस्पून शाही जीरा है। ये छोले का मसाला है जो मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। ये कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर 1 टेबलस्पून लिया है। ये धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून लिया है। 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है। और छोलों में बॉईल करते वक्त हमने नमक डाला है, पर मसाले के लिए मैंने ये 1/2 टीस्पून नमक लिया है। पानी हमें ग्रेवी के लिए लगेगा और ऑयल हमें सब्जी बनाने के लिए लगेगा। छोले हमने बॉईल करके लिए हैं, वो इसके साथ में हम लेंगे। तो आइए छोले मसाला बनाना शुरू करते हैं।
आइए फ्रेंड्स, हमने गैस पे कढ़ाई रख ली है। इसमें मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है। ऑयल थोड़ा सा छोले के सब्जी के लिए ज़्यादा डालना पड़ता है, ये मैंने 3 टेबलस्पून डाला है। अभी इसमें मैं ये थोड़े खड़े मसाले डालती हूँ, जिसमें शाही जीरा है, हरी इलायची है, दालचीनी का स्टिक है और तेज़पत्ता है। हमारे मसाले थोड़े से भूनने के बाद हम इसमें ये जिंजर गार्लिक जो हमने कोर्स में ग्राइंड करके किया है ये डालेंगे। गैस का फ्लेम हम कम रखेंगे। ये जिंजर गार्लिक को हमने आधे मिनट के लिए भून लिया है। अब हम इसमें ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे। इससे सब्जी को बहुत अच्छा कलर आता है। ये अभी हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज हमने ग्रेट करके लिए है, 2 बड़े साइज के प्याज। इसे हम अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए फ्रेंड, गैस के बड़े फ्लेम पे हमने प्याज को 3-4 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। मैं गैस का फ्लेम कम कर लेती हूँ और इसमें अभी बाकी के मसाले ऐड कर लेती हूँ। ये छोले मसाला है 1 टेबलस्पून, ये धनिया पाउडर है 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर लेंगे 1/4 टीस्पून, और ये नमक है स्वाद अनुसार। ये आधे मिनट के लिए सभी मसालों को हमने भून लिया है प्याज के साथ। अब हम ये टोमेटो का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। और सभी मसालों को अभी हम 4-5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है, इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब हम इसमें ये छोले जो हमने बॉईल करके लिए हैं वो ऐड करेंगे। ये मैं छोले इसमें ऐड कर और इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। अब इसमें हम ये थोड़ी सी धनिया पत्ती ऐड करेंगे और इसे थोड़ा 5 मिनट के लिए हम बॉईल होने देंगे। इसकी ग्रेवी आप आपके चॉइस के अनुसार थोड़ी पतली या गाढ़ी रख सकते हो। मैं इसे मीडियम कंसिस्टेंसी का बना रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 5 मिनट के लिए हमने सब्जी को अच्छे से उबाल लिया है छोलों को। अभी मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर लेती हूँ और इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ। हमारी ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनी है। ये देखिए, इसका थिकनेस देखिए बहुत ही अच्छा आया है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। आइए फ्रेंड्स, अभी हम भटूरे के आटे को थोड़ा सा मसल लेते हैं और उसकी लोइयां निकाल लेते हैं। हम मीडियम साइज के भटूरे बनाएंगे। आइए फ्रेंड्स, चकले और बेलन पे हमने ऑयल लगा लिया है। अब हम ओवल शेप का भटूरा बना रहे हैं। ये हमारा भटूरा बनके तैयार हुआ है। अब हम इसे ऑयल में डालेंगे। हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसे पलट लेंगे। देखो हमारा भटूरा कितना फूला है, बहुत ही अच्छा बना है हमारा भटूरा। ये हमारा भटूरा कितना अच्छे से फूल चुका है। अब हम इसका ऑयल निकाल के इसे निकाल लेते हैं। आप शेप आपको जो पसंद है उस शेप में बना सकते हो। आपको राउंड पसंद है तो आप राउंड में भी बना सकते हो। अभी मैं इसे
ये देखिए फ्रेंड्स हमारे भटूरे कितने फूले हुए हैं। हम इसे पलट देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा कलर आया है और बहुत ही फूले हुए हैं। तो इस तरह से हम सभी भटूरे बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारे छोले भटूरों की रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही अच्छी बनी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।